फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी आप लोगों को अलग अलग मेडिकल कंडीशन में मदद कर सकती है, किस तरह से आप अपने बीमारी से निकल सकते हैं होम्योपैथी के द्वारा, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि होम्योपैथी किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकती है। तो अगर किसी कारणवश आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, हाथ पैर आपके ठंडे ठंडे रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन डेफिशिएंट है, तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूले। आप लोग अगर चाहते हैं मेरे साथ लाइव जुड़ना लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से, इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य आप प्रेस कर दें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ब्लड सर्कुलेशन कम होना या डेफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन एंड होम्योपैथिक मेडिसिंस। तो दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन क्यों कम होता है, किन कारणों के वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, और अगर ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो फिर क्या इससे प्रॉब्लम है, क्या इससे दिक्कत होगी या क्या इससे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन किस कारण के वजह से कम हो सकता है। सबसे पहला हमारा कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त कोशिकाएं हैं, इनमें प्लाक डिपॉजिट हो जाता है, और उसके वजह से जो आपका ब्लड वेसल का डायमीटर है, जो उसका व्यास है, वो कम हो जाता है। और जाहिर सी बात है, अगर कम हो जाएगा तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी कम हो जाएगी। तो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज ऐसी प्रॉब्लम हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। दोस्तों, दूसरा एक कारण हो सकता है कि कोई क्लॉट बन गया हो। तो कहीं पे अगर क्लॉट बन रहा है तो उस पर्टिकुलर जगह पे ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पाएगा, क्लॉट के वजह से स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, तो ये एक रीज़न है। इसके अलावा अगर आपको रेनॉल्ड्स डिजीज़ है, तो रेनॉल्ड्स डिजीज़ क्या होता है, रेनॉल्ड्स डिजीज़ में जो छोटी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होती हैं, इनमें कंस्ट्रिक्शन के वजह से ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है। दोस्तों, इसके अलावा वैरिकोज वेन्स की वजह से ऐसा हो सकता है। तो वैरिकोज वेन्स होगा तो वैल्व्स डिफेक्टिव हैं, और वैल्व्स अगर डिफेक्टिव हैं तो ब्लड ठीक से सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, ब्लड एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, पूलिंग ऑफ द ब्लड हो जाएगा, तो ये हमारा रीज़न हो सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारी जैसे कि डायबिटीज़ में ऐसा हो सकता है। तो अगर डायबिटीज़ आपको काफ़ी टाइम से है, काफ़ी लंबे टाइम से है, तो डायबिटीज़ के कारण क्या होता है, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त कोशिकाएं हैं, इनकी जो वॉल होती है, तो इनकी जो दीवारें या इनकी जो वॉल है, ये कमज़ोर हो जाती है, और इनकी कमज़ोर होने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज़ के साथ हम देखते हैं फॉर्मिकेशन, नमनेस, टिंगलिंग, सुनपन का महसूस होना, चींटियाँ चल रही है, ऐसे तमाम सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलता है, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। तो ये हमारे कुछ मुख्य से कारण हो गए, किस वजह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डेफिशिएंट हो सकता है, वो कम हो सकता है। दोस्तों, ये जो डेफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन है, इसके सिम्टम्स या लक्षण क्या होंगे। अब लक्षण में हमें देखने को मिलेगा कि हाथ पैर में ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, तो हाथ पैर ठंडे रहना, कोल्ड क्लैमी फील होना। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो जो इफेक्टेड एरिया है वो थोड़ा सा नीला पड़ जाता है, पेल सा लगता है, और सूजन भी आ सकती है। अगर ब्लड सर्कुलेशन किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में ठीक से नहीं जा रहा है, सो फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो आपको सर में भारीपन, डिजी फील होना, चक्कर आना, ये सब महसूस हो सकता है। और जेलसीनियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है ऐसे कंडीशन के लिए। अगर हार्ट में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो आपको क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होना, बेचैनी होना, सांस फूलना, थोड़ा सा चलने में ही सांस एकदम से फूलने लगना, सीढ़ियां चढ़ने पे तकलीफ होना, ऐसी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किडनी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, आपको सूजन आ सकता है, बॉडी में सूजन आ सकता है, पैरों में सूजन आ सकता है। तो बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन आपका जिस भी ऑर्गन में, जिस भी बॉडी के अंग में ठीक से नहीं हो रहा है,
उसी के मुताबिक हमें सिम्टम्स दिखाई देंगे और उसी के मुताबिक हम लोगों को फिर ट्रीटमेंट देना है कि किस वजह से आपको ब्लड सर्कुलेशन कम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका कौन सा ऑर्गन इफ़ेक्ट हो रहा है, अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट देना है। तो दोस्तों, जो होम्योपैथी की दवाइयां हैं, ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहता है, स्पेशली ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। एंड डेफिनेटली एक कारण पता होना चाहिए कि किस वजह से आपको ऐसा हो रहा है। तो जो आपका रीज़न रहेगा, उससे जो ट्रीटमेंट है वो और भी ज़्यादा एक्यूरेट और भी सटीक तरह से दिया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथी की दवाइयों की, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकता है, बेहतर कर सकता है। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन कार्बोवेज। तो कार्बोवेज एक दवा है जो कि डेफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। कार्बोवेज में हम देखते हैं कि पेशेंट को घुटनों से नीचे एक ठंडा का महसूस होता है, एक ठंडपन महसूस होता है, हाथ पैर ठंडे होते हैं, उसको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है पानी में पैर हैं, इतना ठंडा फीलिंग होती है, हाथ पैर गर्म नहीं हो रहे हैं, डेफिशिएंट सर्कुलेशन है। इसके साथ साथ पेशेंट को कई बारी ऐसा भी फील हो सकता है कि मुझे सांस नहीं आ रही है, कोई सामने से मुझे पंखा करे, ऐसा भी फीलिंग हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये कुछ सिम्टम हो सकते हैं। दोस्तों, जो हमारी सेकेंड मेडिसिन है इसके लिए, वो है एगारिकस। तो एगारिकस चिलब्लेन्स के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन, स्पेशली हाथ पैर बिल्कुल जब बर्फ़ की जैसे जम जाए, ऐसे लगे कि ठंडी बर्फ़ की सुइयां चुभ रही हैं, इस तरह की फीलिंग है, चिलब्लेन्स की प्रॉब्लम है, तो एगारिकस हमारी एक बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन हो जाती है ऐसे कंडीशन में। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कैल्केरिया कार्ब। कैल्केरिया कार्ब में पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि पैर एकदम से ठंडे हो रहे हैं और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसके साथ ठंडक है, पैरों में क्रैम्प भी पड़ सकते हैं, पैरों में जो एक ऐठन का महसूस है वो भी हो सकता है। तो अगर ऐसी फीलिंग है, पेशेंट थोड़ा सा फ्लैबी है, थोड़ा सा मोटा है, तो ऐसे में जो कैल्केरिया कार्ब मेडिसिन है वो बहुत अच्छा आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है पल्सेटिला। अब पल्सेटिला जो दवा है, ये हमें देनी होती है जब आप लोगों को वैरिकोज वेन्स की अगर शिकायत है और वैरिकोज वेन्स के वजह से आपके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, तो ऐसे में पल्सेटिला हम अवश्य कंसिडर कर सकते हैं। पल्सेटिला में हमें ये भी देखने को मिलता है कि पेशेंट को प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है, पेशेंट का मुंह बिल्कुल सूख रहा होता है, ड्राई माउथ होता है, बट स्टिल पेशेंट को पानी की प्यास या पानी पीने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रहती है। दोस्तों, नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन इस कैटेगरी में है साइलीशिया। दोस्तों, साइलीशिया भी डेफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन की एक बहुत ही बेहतरीन दवा। साइलीशिया में हम देखते हैं कि बॉडी के जो डिस्चार्जेस होते हैं बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होती हैं, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, पैरों में से पसीना आता है, स्मेल आती है उसमें से, और हाथ पैर ठंडे होते हैं, पेशेंट रजाई में भी पैर को पूरा कवर कर ले तो भी पैर गर्म नहीं होते, दो दो सॉक्स पहनना पड़ता है, फिर रजाई के अंदर पैर डालकर रखते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि पैर गर्म नहीं हो रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो साइलीशिया हमारी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो डेफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन के लिए कौन सी दवाइयाँ हमेशा हमें ध्यान में रखना है, सबसे पहली हमारी दवा कार्बोवेज, 30 पोटेंसी में इस दवा को ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है एगारिकस, अगेन 30 पोटेंसी में इसको ले सकते हैं, चिलब्लेन्स के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन। थर्ड मेडिसिन हो गई हमारी कैल्केरिया कार, 30 पोटेंसी में, फेयर फैट फ्लैबी लोगों के लिए, जिनको मोटापा हो, पसीना ज़्यादा आता हो, सर पे भी पसीना आता हो, ऐसे में कैल्केरिया कार। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है पल्सेटिला, पल्सेटिला 30 पोटेंसी में, पल्सेटिला अगर वैरिकोज वेन्स के साथ रिलेटेड हो तो एक बहुत अच्छी मेडिसिन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट साइलीशिया, जिसमें हम देखते हैं कि पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, रात को प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा महसूस होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी दवाइयाँ डेफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन के लिए, जिसमें होम्योपैथी आप लोगों को मदद कर सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, डेफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन या लेस ब्लड सर्कुलेशन और होम्योपैथी की दवाइयाँ, आपने इसको पसंद किया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना, आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे
आप लोग केवल व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजें, आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।